बनाने होने ना आवाम को रुला दिया है। सही कह रहे हैं आप, रुला दिया है। इनको कब्र याद नहीं है, सही कह रहे हैं। इनको मौत याद नहीं है, इनको फिरौन नमरूद शताब का इबरत याद नहीं है। आप तीन तीन बैग देने बजाय अगर 500 थैले की कीमत का कम कर देते तो मुझे ऐसा गरीब आदमी भी ले लेता। जस्टिस मुश्ताक ने जिसमें कहा था मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई भुट्टो को फांसी का ऑर्डर देकर, उसके जनाजे में शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया था। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, क्यों? हम की स्टेशनरी पूरी नहीं कर सकते। अगर एक बच्चे की स्टेशनरी पूरी करने जुराबे नहीं है, जुराबे ना हो तो बूट नहीं है, बूट नहीं है तो बैग नहीं है। बुलावल का सिरे माल टूटे फिर इनको पता चले। रोजे के साथ, बिल्कुल रोजे के साथ कह रहा हूँ। मुझे चाहे गोली मार दे, चाहे जो मर्जी कर दे, मैं नहीं डरूंगा कहने से। अस्सलाम वालेकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियार सलाम। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के साथ जो महंगाई की चक्की में दूसरी आवाम के साथ पिसे हुए हैं और महंगाई का रोना रो रहे हैं। यहाँ से दाता दरबार हम रैंडमली जा रहे थे और इस बुजुर्ग ने हमें हाथ जोड़ के रोका कि बेटा खुदा के वास्ते मेरी एक बात सुन लो और इस कौम तक और हमारे हुक्मरानों तक मेरी ये आवाज़ पहुँचा दो। आइए इस बाबा जी से बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और अपनी क्या आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं हुक्मरानों तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बाबा जी क्यों रो रहे हैं आप? इन हुक्मरानों ने ना आवाम को रुला दिया है। सही कह रहे हैं आप, रुला दिया है। इनको कब्र याद नहीं है, सही कह रहे हैं। इनको मौत याद नहीं है, इनको फिरौन नमरूद शताब का इबरत याद नहीं है। और खुदा के लिए, खुदा के लिए उनका इबरत देखो। अल्लाह पाक ने, कुरान पाक ने फरमाया, मैंने पहली कौमों को तुम्हारे लिए इबरत का निशान बनाया। और क्या तुम मुसलमान नहीं हो? और कुरान पे पढ़ो, गौर करो। और मैं तो तुम्हारे खिलाफ हूँ, तुम तो कौम लूत की गुमराह कौम में से हो जिन्होंने ये वो क्या कहते हैं वो कानून पास किया है कौम लूत वाला। खुदा के लिए इस कानून को वापस लो। और आटा, आटे की तरफ तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम को। शहबाज शरीफ साहब, मैं हर इंटरव्यू में आपने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर खैबर पख्तूनवा हमें आटा दूंगा, आपने उनको देने बजाय पंजाब वालों, सिंध वालों, बलूचिस्तान वालों से भी छीन लिया है। सही कह रहे हैं बाबा जी। ये बताएं कि इमरान खान जो कर रहा है वो मेरी आटे की बात मुकम्मल होने दे। बोले बोले बोले, आपको हक है, जो मर्जी बोले आप, खुल के बोले और ये चलेगा, लाजमी चलेगा। और आपने ये जो तीन थे बैग देने शुरू किए ना, इनमें कितनी जाने जाया गई हैं, उनका वबाल किस पे होगा? ज़रा सोचिए, अकेले बैठ के सोचना कि उनका वबाल किस पे होगा। आप तीन तीन बैग देने बजाय अगर 500 थैले की कीमत का कम कर देते तो मुझे ऐसा गरीब आदमी भी ले लेता। मुझे यार क्या कर दिया आप लोगों ने इतनी दौलत? बच्चे आपके लंदन में पढ़ते हैं, दौलत आपके इंडिया में है, इंडिया में फैक्ट्री लगाई है। क्या आप पाकिस्तान में आपको फैक्ट्री लगाने के लिए आप लोग बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया नहीं कर सकते थे? आपको इंडिया से इतना ही प्यार है? और यार जिस जगह तुमने माल बनाया इतना प्यार है, उस जगह का नाम ही जाति उमरा रखा है। जुमाता रहे, दादा दादा पड़दादा रहते थे, उस जगह भी नाम जाति उमरा है। अगर तुम इंडिया से प्यार है तो छोड़ दो पाकिस्तान को। और यार खुदा के लिए, खुदा के लिए कब्र को याद करो। मैं ये फिर कहूँगा, जस्टिस मुश्ताक का कल की बात मैं कहूँगा, मेरे लिए कल की बात है। जुल्फकार अली भुट्टो को, जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत देने वाले, आप तारीख पढ़ के देखें, किसी से पता करें, उसके जनाजे में शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया था। और मरने से पहले एक इंटरव्यू उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने दिया था जस्टिस मुश्ताक ने, जिसमें कहा था मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई भुट्टो को फांसी का ऑर्डर देकर। सही बात, सही कह रहे हैं। अच्छा बाकी रही, इन दोनों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर, पता नहीं ये कौन सी सियासत कर रहे हैं। इमरान खान कैसे हैं? इमरान हाँ भी, आई डोंट लाइक हिम। व्हाई? बिकॉज क्योंकि वो अमन से नहीं बैठ रहा। आए दिन आए दिन आए दिन कोई ना कोई ना कोई ना कंजर खाना, कोई कंजर खाना कितना कितना लगाया ही होता है। यार आवाम तो सोचो, इस मुल्क का कैसे निज़ाम ठीक कर सकते हैं? ये जो भूखे मर रहे हैं लोग, जो तड़प रहे हैं महंगाई की वजह से, उनको कैसे हम इंसाफ उनको कैसे दे सकते हैं? उसका हल ये है कि जिन्होंने बैंकों से कर्जे लेके यतीमों ने माफ़ करवाए हो ना करोड़ों रुपए, वो वापस करवाए। मैं आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए मुनीर साहब आप हाफ़िज़ कुरान हो, उसी कुरान का वास्ता देता हूँ, उसी कुरान का वास्ता देता हूँ और शहादा करबला का वास्ता देता हूँ। पूरी 2 करोड़ आवाम की तरफ से इन जालिमों ने जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है,
जिन्होंने कर्जे लेके वापस किए, कम से कम कर्जे तो इनसे वापस ले लो ताकि हम जैसा गरीब आदमी पेट भर के रोटी खा लें। मेरे बच्चे भूखे ना सोए कि अगर मेरे पड़ोसी का बच्चा भूखा सोएगा वो भी मेरा बच्चा है। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, क्यों? हम की स्टेशनरी पूरी नहीं कर सकते। अगर एक बच्चे की स्टेशनरी पूरी करने जुराबे नहीं है, जुराबे ना हो तो बूट नहीं है, बूट नहीं है तो बैग नहीं है। और यार इनको तो इनकी पेंसिलें भी पुलिस वाले उठा के देते हैं। सही कह रहे बाबा जी, बहुत बड़ी आपने बात कर दी है। मैं कहता हूँ कि ये पैगाम अगर इन हुक्मरानों तक पहुँच जाए तो... लेकिन इनको असर नहीं होना, ये कुरान और अल्लाह पाक के अहकाम के असर नहीं करते। इनको इंसानियत का पता ही नहीं है, इनको इंसानियत का पता ही नहीं है। ये सब मैं क्या कहूँ इनको, अल्लाह पाक ने जरा सा हिलाया था, मैं अल्लाह पाक की बार का दुआ की थी, या इनका राइवेट माल और बुलाबल का सिरे माल टूटे फिर इनको पता चले। रोजे के साथ बिल्कुल रोजे के साथ कह रहा हूँ, मुझे चाहे गोली मार दे चाहे जो मर्जी कर दे, मैं नहीं डरूंगा कहने से। नाज़रीन, ये थे बाबा जी, आपने बाबा जी की गुफ्तगू सुनी। ये वो बाबा जी थी ये जो कि इन हुक्मरानों की राया है, जो कि गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और रो रो कर हाथ उठाकर इनको ये बद दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदारा इस गरीब आवाम का एहसास करे और हमें जीने का हक दिया जाए। आए दिन मजमाना लाओ, खुदा का वास्ते आए दिन मजमाना लाओ। तुम मजमा लाते हो और कंटेनर खड़े कर देंगे, आवाम भुखी मर जाती है। यह बवाल भी ताटे पैना जे, और यह बवाल भी ताटे पैना जे, कंटेनर के पैसे भी साढ़े पैसे चो निकलते हैं। बहुत बड़ी बात कर दी। नाज़रीन, बाबा जी की अगर कहानी सुने जाए तो मैं कहता हूँ यहाँ पर ये बाबा जी कहले की कहानी नहीं है, ये 17 करोड़ आवाम की है, क्योंकि 5 करोड़ अमीर आदमी है उनको नहीं मैं कह रहा, ये 17 करोड़ आवाम की बात है। ये मेरे, अगर आप इस इंटरव्यू को लाइक करेंगे तो खुदा के लिए मेरे वालदैन और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा, आलम इस्लाम का परचम बुलंद फरमा, आलम इस्लाम के दुश्मनों को गैब की ताकत से निस्त नमूद फरमा, इसी तरह निस्त नमूद फरमा जिस तरह तूने बढ़ा कर इसको निस्त नमूद फरमा। नाज़रीन, आपने अंकल की बात सुनी, इनके मुतल्लिक क्या कहना चाहते हैं? इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हुक्मरानों तक पहुंच सके और इनके कानों तक ये आवाज़ पहुंच सके कि ये बाबा जी किस तरह रोकर अपनी फरियाद करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।